हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और देखने भी जा रहे हैं निफ्ट बी डिज़ाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, फॉर्मेट कैसा रहा है, पैटर्न कैसा रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ उनकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है। करेक्ट मार्क्स तो वन मिल करेक्ट आंसर तो वन मार्क्स विल बी असाइंड, रॉन्ग आंसर तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज में भी हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट अगेन हमारे ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहे क्वेश्चंस आपके, नेक्स्ट अगेन मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। देन यहाँ पे आपके रीजनिंग क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 21, आपके पास ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए होते हैं ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगेन रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे भी रीजनिंग के, यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, आप जीके के क्वेश्चंस देख सकते हैं। वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, फेमस बुक्स, गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट रैंक आती है कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो वो रैंक कौन सी है, ये फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और कौन किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे SPM रिफर्स टू, ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि हार्डली शायद किसी बच्चे को आता होगा, या किसी को ऐसा हो कि किसी को नहीं भी आता होगा। तो जिनको नहीं आता है टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट CSIR सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हॉलीवुड कहाँ पे सिचुएटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में किसको मिले हैं अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोमालिया की कैपिटल क्या है, फिनलैंड इज़ नोन एज, फिनलैंड का निकनेम क्या है। नेक्स्ट आपका बैंकिंग सिस्टम जो होता है उसकी स्विफ्ट की एब्रिवेशन क्या है, फुल फॉर्म्स पूछे हैं यहाँ पे। तो हमने ये वाला टॉपिक हमारे चैनल पे है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियो के एंड पे आपको मिल भी जाएगा। इन प्लस ऑफ दिस कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिवेशंस हैं, ब्रिक्स की एब्रिवेशन क्या है, ये जैसे लास्ट ईयर G20 था, आप G20 समिट के बारे में गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। फिर उसके बाद जैसे नासा हो गया, नासा की एब्रिवेशन देख सकते हैं। तो हम एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन जीके का हम जल्दी करने वाले हैं, जिसमें हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं लास्ट 4 to 5 months के, वो हम डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे आपका इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके, देख सकते हैं आप एक बार इनको, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन अभी आपका चल रहा है। देन यहाँ पे आपका ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन, एंटोनियम्स सिनोनियम्स पूछे गए हैं, फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव वर्ड पूछा गया है जो फॉल कर सकता है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग पूछे गए हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं आपके, सिमिलर वर्ड सिनोनियम्स देन फॉल हो गए हैं। तो ये कुछ हमारे प्रीवियस ईयर पेपर था जो निफ्ट बी डिज़ाइन का था। इसमें आंसर की नहीं है, इसकी आंसर की कल आपको चैनल पे मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, बट कोशिश करिएगा कि आप आज इसको सॉल्व कर ले, सो दैट कल आप आंसर की जब क्रॉस चेक करेंगे तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में आपके कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर रॉन्ग हैं। आप भी अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपको कौन से पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like the video and subscribe to the channel. Thank you so much.